मनुवर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग, शाम का टाइम है, टाइम हो रहा है 5:25 और मैंने बनाई है चाय। तो ये रही चाय, तो चलो आप सभी के लिए भी चाय है तो मैं देने जा रही हूँ उनको। एक दादाजी की चाय है और एक वीर जी की चाय है। तो पहले दादाजी को देने चलते हैं बाहर, वो बैठे हैं बाहर चेयर लगा के। और शाम का बाहर का व्यू बता रही हूँ, से व्यू कैसा हो रहा है। दादाजी अंदर भी गए रूम में यार इससे जल्दी। दादाजी उनके रूम में लाइट ऑन नहीं कर रखी, सर्दी इतनी है तो दादाजी तो रजाई में घुस गए हैं। और आप बाहर का व्यू देख सकते हो यहाँ से हमारी कॉलोनी को। और ये हमारे घर में पेड़ देख, कितने अच्छे अच्छे हरियाली है। तो ये हमारा मैन गेट। तो चलो चलते हैं वापस अंदर और वीर जी को देते हैं चाय। और देखो हमारे घर में पेड़ ही पेड़ रखे हुए हैं, हम सब पेड़ बहुत पसंद है इसलिए। और भैया जी आ गए हैं कोचिंग से, देखो तो भैया जी आ गए हैं कोचिंग से, अभी आए हैं। सुबह के जाते हैं, 12 बजे के जाते हैं, 5 बजे आते हैं। तब यह है जस्ट, तो उनकी चाय भी रखी हुई है, मैंने अभी बनाई है, उनका टाइम भी अभी हुआ है वैसे आने का। तो मैंने चाय के साथ खाने के लिए भी कुछ उतारे हैं अभी, जो ये रहे हैं छोटी सी भगोनी में। तो चलो चलते हैं और चाय के साथ सभी को इनको देते हैं। हाँ तो भैया जी के लिए लेके आए। तो गाइस देखो इन्होंने टेबल कैसे तरीके से फैली हुई है, कैसे फैला रखी है। और अब मुझे करते हैं बर्तन साफ सुबह के। मैं बना रही हूँ सब्जी आलू गोभी की। और सर्दी में आप देख सकते हो मेरा लुक बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा। मैंने सब चीज काट के रखी हुई है। तो गाइस देखो ये रहा मेरा देवर जी। नहीं, कह रहे नहीं मैं देवर नहीं हूँ। तो कह रहे नहीं मैं आपका देवर नहीं हूँ। जीजी से बात कर रहे हैं, अब मैं डालूंगा ठीक है। तो खैर जो कट्टी तो करवा देंगे। सब्जी आप देख सकते हो, पता नहीं कैमरे से तो कैसे दिखती है एकदम येलो है। मन्नू बना रही है खाना और ये लगा रही है आटा। सब्जी बना दी है और देखते हैं सब्जी किस चीज़ की बनाई है। और ये देख सकते हो आप आलू और गोभी की सब्जी है। कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, टेस्ट पता नहीं खाने के बाद पता लगेगा। तो इसको दबा देते हैं। पानी चाहिए लो। लो पानी। तो ये नीचे बैठ के आटा लगाते हैं इस तरीके से। वैसे किचन में कौन कौन नीचे बैठ के आटा लगाता है कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे नीचे अच्छे से लग जाता है आटा और ऊपर तो यानी कि नहीं लग पाता इतने अच्छे से, और नीचे थोड़ा अच्छे से आटा लग जाता है। तो ये आटा लगाएंगे उसके बाद बनाएंगे खाना। और फिलहाल टाइम हो रहा है यानी कि 8:30 का, और उसके बाद वे सब खाना खाएंगे। और सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस टाइम, तो गाइस सर्दी में अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा है। तो और बारिश और हो रही है यहाँ अलवर में तो थोड़ी थोड़ी, तो इस वजह से। इस फिलहाल टाइम हो रहा है 10:30 का और
मुझे लग रही है थोड़ी सी जुकाम, तो इस वजह से मैं थोड़ा दूध लेता हूँ किचन में आके। तो किचन में आ चुका हूँ और अपना दूध लेता हूँ। तो गाइस मुझे लग रही है जुकाम, इस वजह से मैं इस क्या करूँगा, इसमें थोड़ी डालूँगा हल्दी, ताकि जुकाम में हल्दी बहुत ही भाई। इतनी चीनी काफ़ी है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर चलते हैं रूम में और देखते हैं मन्नू क्या कर रहा है। देख सकते हो कैसा हो गया। मन्नू देख रहा है इधर सीरियल। ये पता नहीं ये सीरियल में देखते रहते हैं, इसमें समझ नहीं आता मुझे। हाँ ये रहा मेरा दूध, बाकी को मैं रख के आया हूँ ऐसे ही, उसका कुछ नहीं किया अभी। आप उसको जमा देना। हाँ अभी ठंडा नहीं है, गर्म है, तो इस वजह से अभी उसमें जमा नहीं दिया जाएगा, थोड़ी देर बाद में देने दो। तो ठीक है, गाइस मैं तो देखो अपना, आप सभी को पता है मेरे तो फेवरेट सीरियल चल रहे इनके थे हिंदी फेवरेट के। सीरियल बस यही चलते रहते हैं। नहीं मैं एक दो देखती हूँ, पूरे इतने थोड़े पूरे दिन देखती पहले रहती नहीं हूँ। देखते थे आप, यानी हाँ सुनीता की वजह से सुनीता, हाँ वो छोटी वाली सिस्टर आई थी वो देखती वो थी, तो सिखा उस के साथ गई में है देखने इसको। लग गई। नहीं पहले नहीं देखती थी। मुझे सीरियल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं केवल मूवी देखता हूँ, वो भी हॉलीवुड की। और आप देखते हो सीरियल? हाँ तो वैसे लड़कियां तो सीरियल ही देखती है हाँ हाँ सीरियल देख के फिर अभी उनको अपना आजमाते। बॉडी। मैं तो कोई ठंडा नहीं करती। सिखाया ऐसे ज्यादा सीरियल में। बकवास कर रहे हो। हाँ सिखाया जाता है। तो गाइस सर्दी का मौसम है, तो इस वजह से आप सभी अपना ध्यान रखिए और